वर्ष 1977 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित किया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बनना। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने तो दुनिया भर में शीर्षस्थ सम्मेलनों, बैठकों, डायस्पोरा कार्यक्रमों में हिंदी के माध्यम से भारत की आवाज को बुलंद किया। अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए संकल्प हो तो देश को पीछे मुड़कर के देखने की आवश्यकता। 1975 में गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। इसी वर्ष भारत सरकार ने नई पहल करते हुए विश्व हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू की। हिंदी के इस वैश्विक स्वरूप से फादर कामिल बुल्के, जर्मन विद्वान लोथार लुत्से, डॉक्टर रूपर्ट स्नेह, जापान के मिज़ुकामी, हंगरी के डॉक्टर इमरे बंगा, ऑस्ट्रेलिया के इयान बुरफर्ड का विशेष योगदान रहा।